झारखंड रांची से गौरव शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है आशौच से संबंधित। ये पूछ रहे हैं कि यदि किसी के यहाँ नवरात्र आदि में दुर्गा पाठ आदि कोई भी शुभ कर्म हो रहा हो और उसके यहाँ यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो पाठ पूर्ण कैसे करेंगे, क्या वो यज्ञ होगा या नहीं होगा, वो कार्य होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कृपा करके बतलाइएगा। देखिए, किसी के यहाँ कोई भी शुभ कर्म चल रहा है, यज्ञ जप तप व्रत उत्सव संस्कार आदि अथवा श्राद्ध आदि कर्म, और फिर वहाँ यदि जनना शौच या मरना शौच उसके परिवार में लगता है तो क्या व्यवस्था है। यहाँ प्रश्न और एक और समझ लीजिएगा कि यदि कोई यज्ञ आदि कार्य हो रहा है, जैसे इन्होंने दुर्गा पाठ सतचंडी याग आदि कोई उदाहरण देकर के प्रश्न पूछा है, तो वहाँ दो लोग होते हैं, एक तो वो स्वयं यजमान जिसके यहाँ पे वो ब्राह्मण लोग आए हैं, उसके यहाँ कोई जनना शौच या मरना शौच लगता है अर्थात तो उसके परिवार में कोई जन्मता या मरता है तो वो कार्य होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात वहाँ ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, एकाधिक ब्राह्मण भी हो सकते हैं, कई ब्राह्मण हो सकते हैं, तो उन ब्राह्मणों के यहाँ यदि कोई कार्य हो जाता है जनना शौच या मरना शौच तो क्या वहाँ लगेगा, वो कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में विधिवत जानकारी दीजिएगा। देखिए, प्रामाणिक जानकारी देखें, कह रहे हैं कि व्रत यज्ञ विवाहेशु श्राद्धे होमेर्चने जपे आरब्धे सूतकम न स्यात् धनारब्धे तु सूतकम। ये सभी शास्त्रों का सार रूप में और कई पुराणों में कई जगह कर्मकांड के ग्रंथों में ये लिखा मिलता है। ये कहते हैं कि व्रत यज्ञ विवाहेशु, व्रतों में, यज्ञों में, विवाह आदि संस्कारों में, श्राद्ध होमेर चने जपे, श्राद्ध कर्म में या किसी होम विशेष में यानी किसी शांति में, और अर्चने किसी प्रकार का अर्चन, कोई भी देवता का अर्चन हो रहा हो, या जपे कोई मृत्युंजय आदि किसी भी मंत्र का जपानुष्ठान चल रहा हो तो उसमें आरब्धे सूतकम, आरब्धे सूतकम न स्यात्। यदि कोई कार्य आरंभ हो गया, आरब्धे सूतकम न स्यात्, यदि कार्य का आरंभ हो गया हो तो सूतक नहीं लगता। ध्यान दीजिए, यदि किसी यो कार्य गिनाए गए हैं जप तप अनुष्ठान आदि, उनका यदि आरंभ हो गया, प्रारंभ हो गया, कार्य शुरू हो गया तो फिर आशौच नहीं लगता, क्योंकि कह रहे हैं आरब्धे सूतकम न स्यात् और अनारब्धे तो सूतकम। यदि वो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तब तक ये कोई सूचना मिल जाती है, कोई कार्य हो जाता है, जनना शौच या मरना शौच की प्रवृत्ति होती है तो वो कार्य को नहीं करना चाहिए। तो भाई आरंभ कब माना जाए, कोई विवाह आदि कार्य चल रहा है तो उसकी तो जो शुरुआत बहुत दिनों से तैयारियां चलने लगती हैं, यज्ञ की तो बहुत दिनों से तैयारियां चलने लगती हैं, सामान लाना जाना, उसकी व्यवस्था देखना, तो कब से उसको प्रारंभ माना जाए, जो कि आशौच का जो है व्यावर्तक हो। तो आगे कहते हैं कि आरंभो वर्णम यज्ञे संकल्पो व्रत सत्रयो नांदी श्राद्धम विवाहादौ श्राद्धे पाक परिक्रिया। देखिए, कहते हैं आरंभो वर्णम यज्ञे, यज्ञ जप तप अनुष्ठान दुर्गा पाठ आदि सतचंडी आदि नवचंडी सहस्रचंडी लक्षचंडी आदि कोई भी यज्ञ हो, दुर्गा संबंधित या अन्य देवताओं से संबंधित समस्त यज्ञों में, यज्ञ ब्राह्मण प्रारंभ वर्णम यज्ञे, तो यज्ञ का प्रारंभ ब्राह्मण वर्ण से हो जाता है,
ब्राह्मणों का वर्ण हो गया, ब्राह्मणों के वर्ण का संकल्प हो गया कि अस्मिन कर्मणि त्वाम हम वृणे, इस कर्म में आपका वर्ण करता हूँ विधि पूर्वक, मंत्र पूर्वक, और ये जो है मदपर्क पूर्वक यदि वर्ण हो जाता है तो वो जो है प्रारंभ हो गया कार्य। संकल्पो व्रत सत्रयो, यदि किसी कोई सत्र का आरंभ करना चाहते हैं, यानी कि गायत्री प्रोक्षरण आदि किसी भी सत्र का आरंभ करना चाहते हैं, या कोई एकादशी आदि या कोई अन्य कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, कृच्छ्रादि व्रत करना चाहते हैं, तो व्रत का यदि प्रारंभ संकल्प हो जाए कि व्रतं करिष्ये, पूरा जैसे संकल्प है आज मैं इस उद्देश्य से इस व्रत को करूंगा, तो संकल्प होते ही वो व्रत सत्र का प्रारंभ हो गया। उससे पहले नहीं, आपने खूब तैयारी कर ली, सामग्री लाके रख ली, पर वो तैयारी नहीं है, वो प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ तो व्रत सत्र का संकल्प होने के बाद होगा। किसी यज्ञ का प्रारंभ तब होगा जब आपने ऋत्विज ब्राह्मणों का, उसमें जो है नियुक्त ब्राह्मण जो है आचार्य आदि, उन ब्राह्मणों का वर्ण हो जाएगा, तभी वो यज्ञ का प्रारंभ माना जाएगा। नांदी श्राद्धम विवाहादौ, विवाह आदि जो भी संस्कार हैं उन संस्कारों का प्रारंभ होता है नांदी श्राद्ध से। तो संस्कार की पूरी तैयारी है, उसके बाद जो है गणपति आदि देवताओं का पूजन होगा, फिर कलशार्चन, पुण्यावाचन, मातृका पूजन, और आपका आयुष मंत्र जप, और जहाँ मंडप का विधान है तो वो करके फिर जो है आपका नांदी श्राद्ध होगा। तो जब नांदी श्राद्ध हो जाए, नांदी श्राद्ध होना शुरू हो जाए, तो समझिएगा कि ये जो है आरंभ हो गया व्रत का, संस्कारों का, विवाह आदि का। ये भी बतलाया गया है किस कर्म में कितने दिन पहले जो है नांदी श्राद्ध कर सकते हैं। विवाह आदि में जो है 10 दिन पहले, और यज्ञोपवीत आदि में कम से कम 3 दिन पहले, और संस्कारों में 1-2 दिन पहले नांदी श्राद्ध किया जा सकता है, तब से वो कार्य का आरंभ मान लिया जाएगा। और श्राद्ध पाक परिक्रिया, श्राद्ध का आरंभ होता है पाकारंभ होने से। श्राद्ध के निमित्त, पिंडदान के निमित्त, ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है भोजन संभार बनना प्रारंभ हो जाए, भोजन सामग्री बनना शुरू हो गई, तो यानी है श्राद्ध शुरू हो गया। फिर उसमें आरब्धे नैव सूतकम, अगर प्रारंभ हो गया इस विधि से तो फिर उसमें कोई आसौच नहीं लगता, फिर वह कर्म हो सकता है। और भी ये क्या कह रहे हैं देखिए, पहले कि अतस्तता तत्र प्रारब्ध कर्मणा स्वीयाद्य पदार्थ पदार्थावधारणमेव प्रारंभ शब्देन ग्रहणीयम्, यथा विवाहे कन्या पितु कन्या प्रदान संकल्प प्रारंभ। बोले और भी हम स्पष्ट इस बात को बतला देवें कि विवाह में कन्या का पिता, क्योंकि विवाह में दो होते हैं, वर का पिता और कन्या का पिता, दो पक्ष हैं, तो किसका कब प्रारंभ होगा? तो विवाह कन्या पितु कन्या प्रदान संकल्प प्रारंभ। विवाह में कन्या का पिता कन्या दान का संकल्प करता है कि आज मैं जो है अपनी कन्या का दान करूंगा, ऐसा संकल्प करते ही वो प्रारंभ हो जाता है। वरस्य तदूर्ध्वम पाणिग्रहण होमादिकम कर्म प्रारंभ। और वर के यहाँ जब वर कन्यादान प्राप्त करने के बाद और फिर जो है अपने जो है पाणी ग्रहण के निमित्त जो हवन इत्यादि करता है तो फिर उसका प्रारंभ हो जाता है। ऐसा बतलाया गया है कि कन्यादान होने के बाद यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं है, या वो मुहूर्त निकल गया, लग्न निकल गई, या कोई और भी व्यवधान आ गया, आशौच आदि की प्रवृत्ति हो गई, तो या विधिपूर्वक विवाह नहीं हुआ, तब भी इन सब कारणों के होते हुए वर अपने यहाँ आकर के शुभ मुहूर्त में विवाह को कर सकता है। विवाह का कार्य तो कन्या का पिता तो कन्यादान करता है, बाकी की जो गृह सूत्रोक्त जो विधि है हवन आदि कृत्य, वो सब वर कर्तृ के ही है, अर्थात वर और कन्या ही करते हैं, तो वो तब से उनका प्रारंभ माना जाए। श्राद्ध कर्तु श्राद्धार्थम पाकस्य निष्पत्ति क्रियारंभ एव प्रारंभ। श्राद्धकर्ता जब श्राद्ध की सामग्री का जो है
श्राद्ध भोजन बनाना लग जाए तब से श्राद्ध आरंभ होता है। इसी प्रकार तथैव श्राद्ध भोक्तुः भोजनार्थम लब्ध निमंत्रणम प्रारंभ। यदि किसी ने श्राद्ध का भोजन करने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके यहाँ शौच लग गया तो तब फिर उसको जो है अशौच नहीं माना जाएगा। उसने निमंत्रण स्वीकार किया तभी से उसका वो कार्य आरंभ हो गया। निमंत्रण खाना, श्राद्ध में भोजन करने जाना, ये स्वीकार कर लिया तो उसका प्रारंभ हो गया। तथैव श्राद्ध भोक्तुः भोजनार्थम लब्ध निमंत्रणम प्रारंभ। इति पूर्वोक्ता सर्व व्यवस्था काल तत्व विवेचनादि भेदेन कृतेति गेया। इस तरीके से ये जो है विधि यहां बतलाई गई है। कहते हैं अगर किसी को पता नहीं था, परंच स्वकृत धर्म प्रकाशे शंकरादयस्तु यदा, ये सब आगे बात व्यवस्था वाले वाक्य हैं, बतला रहे हैं कि अशौच ज्ञानात पूर्वम, यदि किसी के यहाँ अशौच लग चुका है परंतु उसको उसके कान में नहीं आया है, उसने सुना नहीं है कि ऐसा ऐसा हो गया, तब पाक निष्पत्ति कृत संकल्पता निमंत्रणाम त्रयाणाम समुच्चये जाते सत्येव श्राद्धे अशौचाभाव एव इति कथयन्ति। कहते हैं कि यदि पता नहीं है तब तक और कार्य का आरंभ हो गया, भले ही अशौच पहले हो गया था और बाद में पता चला तो वो अशौच नहीं माना जाएगा। ये है, यदि आपको पता चल गया या कार्य आरंभ नहीं हो पाया तो अशौच नहीं लगेगा। इस बात पर एक और विचार करें कि सामान्य रूप से यज्ञ आदि में, यज्ञ आदि का प्रारंभ हो गया विधिवत, ये कार्य तब ही माना जाएगा जब आप उस कार्य उस क्रिया को विधिवत रूप से संपादित कर रहे हैं। यदि विधिवत संपादित नहीं कर रहे हैं तो वह जो है अशौच का अवरोधक नहीं होगी, फिर तो जो अशौच प्रवृत्त हो जाएगा। यदि किसी के यहाँ कोई ब्राह्मण लोग गए हैं तो नांदी श्राद्ध आदि तो उन्होंने किया है, यजमान ने अपने पितरों के लिए किया है, उसको अशौच नहीं लगेगा परंतु ब्राह्मणों को तो लगेगा। तो ब्राह्मणों का यदि वर्ण विधि पूर्वक मधुपर्क विधि पूर्वक यदि ब्राह्मणों का वर्ण हो गया है तो ब्राह्मणों को फिर अशौच नहीं लगेगा। ये जो है विधि है, और यजमान के यहाँ यदि विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध संपादित हो गया तो उसको फिर अशौच नहीं लगेगा। ये बात है, और प्रारंभ हो गया तो फिर अशौच नहीं होता है, प्रारंभ की विधि बतला दी गई। तो इससे स्पष्ट है कि दुर्गा पाठ आदि करने के लिए कोई व्यक्ति गए हुए हैं और वहाँ यदि अशौच लग जाता है तो यज्ञ आदि तो अब 8-9 दिन तक चलेगा, और ये अशौच लग गया, प्रारंभ हो गया, तब की ऐसी विधि शास्त्रों में बतलाई गई है कि यदि चाहे तो ब्राह्मण लोग उसको करें। यजमान के लिए ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को अशौच लगा है और ये शास्त्र जिसके लिए कह रहे हैं कि वो कार्य आरंभ होने पर वो अशौच नहीं है, तो अशौच कब नहीं है, कितना नहीं है, तत्कर्मणि एव अशौच नास्ति। केवल वो कर्म संपादित करने के लिए आप दुर्गा पाठ करने के लिए गए, आपको अशौच लग गया तो आप केवल दुर्गा पाठ करने के लिए आपको अशौच नहीं है, क्योंकि आपका विधि पूर्वक वर्ण हो गया था, कार्य आरंभ हो गया था, तो बीच में उसको छोड़ना नहीं है। ये बात है, और यदि आपका जो है ये कार्य नहीं हुआ इस तरीके से, विधिवत विधि पूर्वक वर्ण नहीं हुआ तो आपको अशौच लग जाएगा, ये तो स्पष्ट ही है। इसी प्रकार यजमान के यहाँ भी जो है ये जो है कार्य हो रहा है और बीच में अन्य कर्म के लिए तो अशौच है, यदि वो ब्राह्मण चाहे गम पूरी संध्या करें और पाठ करें, देव दर्शन करें हो और किसी को छुए तो वो तो अशौच माना जाएगा। इसी प्रकार यजमान के यहाँ यजमान को उस कर्म के लिए अशौच नहीं है, अन्यथा अशौच रहेगा।
तो यजमान के यहाँ कोई कार्य हो जाता है तो अपने पुरोहित को या किसी यजमान को ही प्रतिनिधि बना करके उस कार्य को करवा देते हैं और उसके धन आदि से जो है उसमें संहार इत्यादि का संग्रह नहीं करते हैं। बाद में आशौच के निवृत्त होने पर वो व्यक्ति वो धन आदि दे देता है। यदि किसी व्यक्ति ने संकल्प कर रखा है कि ये धन से मैं यज्ञ करूंगा, इतने धन से ये जो धन है इस धन को हम कन्या के विवाह आदि में लगाएंगे, तो उस धन पर भी आशौच नहीं लगता है, वो अन्य धन भी उस कर्म में विनियोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए कर्मारंभ होने से पहले जो है यज्ञ इत्यादि में नांदी श्राद्ध पहले ही 21 दिन पहले नांदी श्राद्ध हो जाता है और विवाह आदि में 11 दिन पहले नांदी श्राद्ध हो जाता है, तो विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करवाया जाए और उस धन का संकल्प करवा दिया जाए कि जो है इस कार्य को हम इसमें लगाएंगे, तो फिर वो ठीक रहता है, आशौच की प्रवृत्ति नहीं होती है। परंतु मुख्य बात तो यही है कि यज्ञ का आरंभ तो वर्ण होने के बाद ही ब्राह्मणों के लिए है, जो यज्ञ के लिए अभी बतलाया गया कि यज्ञ में जो है वर्ण होने से फिर दोष नहीं लगता है, तो वो ब्राह्मणों के लिए है, ऋतुजों के लिए है कि यज्ञ में आप वर्णित हो गए तो फिर आपको आशौच नहीं लगेगा। परंतु यजमान के लिए तो नांदी श्राद्ध से है, वो अगर पहले ही नांदी श्राद्ध संपन्न कर लेते हैं, धन का संकल्प कर देते हैं, तो उनको आशौच नहीं लगेगा। ये व्यवस्था समस्त शुभ कर्मों में समझनी चाहिए। हर हर महादेव।